नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई स्कूल एफआईआर वीडियोस में। होप आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज इंडियन पॉलिटिक्स में हम लेके आए हैं आपके लिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो आइए शुरू करते हैं। हमें ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए कुछ अधिकारों की ज़रूरत होगी जो हमसे कोई छीन ना सके। अगर वो अधिकार हमें ना मिले होते तो आज हमारी ज़िंदगी बहुत ही बुरी होनी थी। ऐसे अधिकार जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से बिना किसी के दबाव में और बिना कोई शको शुबा के हम अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसे अधिकारों को हम अपने फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला जाता है, इसके को दो कारण है। पहला कि इसको हमारे भारतीय संविधान में जगह दी गई है जो गारंटी है कि अगर इनका वायलेशन हुआ तो इन्हें सीधा कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार अगर हमारे खिलाफ़ कोई कानून बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उन अधिकारों को जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो उसे वायलेट करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी और इस तरह से हमें हमारे अधिकार मिल जाएंगे वापस। हमारे भारतीय संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं जिसमें कि एक रीसेंट 21 से राइट टू एजुकेशन डाला गया है 2002 में। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स। पहला समानता का अधिकार, दूसरा आज़ादी का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सभ्यता और एजुकेशन राइट्स, पांचवा है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। जानते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जैसे नाम से डिक्लेयर होता है, हमारा जो भारत है इसमें कई प्रकार के लोग, रंग भेद और कई प्रजातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान की बहुत अच्छी विशेषता है कि उसने सभी लोगों को बराबर माना है और किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना है। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी की प्रोविज़न दिया गया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, रंग और लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के भाव के ऊपर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून में उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान है। तो ये जानते हैं आर्टिकल 14 से 18 के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई भी भारत का नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो टाटा अंबानी है या दूसरी तरफ कोई भिखारी है, दोनों के लिए भारत के संविधान बराबर है। किसी को बड़ा या छोटा वो नहीं मानता है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे सज़ा मिलेगी। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति के साथ, भले ही वो किसी मेजॉरिटी ग्रुप का है या कोई माइनॉरिटी ग्रुप का है, कोई विशेष धर्म के साथ संबंध रखता है, तो उस केस में भी हमारा संविधान है वो अपना न्याय देने के लिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट की जो नौकरियां निकलती हैं और एम्प्लॉयमेंट निकलती है उसके अंतर्गत हम कोई भी व्यक्ति उसको अप्लाई कर सकता है, भले ही वो राष्ट्रपति की चोन हो या प्रधानमंत्री की चोन हो, ठीक है, या फिर कोई IAS, IPS या कोई सिंपल क्लर्क की कोई नौकरी हो, उसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, कोई भी, भले ही वो कोई छोटे लेवल का कोई गरीब हो या कोई अमीर से अमीर आदमी, वो अप्लाई कर सकता है और उसको किसी प्रकार से कोई उसमें रोक टोक नहीं है। हाँ, पर हमारे संविधान में कुछ स्पेशल प्रोविज़न दी गई हैं, रिजर्वेशन रखी गई है पोस्ट ऑफ सिटीजन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा सा उत्थान हो सके क्योंकि वो काफ़ी समय से नीचे दबे हुए थे जो मेजॉरिटी की वजह से, और आज तक उनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है।
उस विकास को करने के लिए हमारे संविधान ने उनमें कुछ प्रावधान दिए जिससे कि उनको थोड़ी सी छूट दी गई है एज़ कम्पेयर टू अदर मेजॉरिटी ग्रुप्स। चौथा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का खात्मा। कोई भी व्यक्ति आपके साथ छुआछूत नहीं कर सकता, कोई आपको दूर बैठने के लिए या अलग घड़े से पानी पीने के लिए, जो कि पुराने ज़माने में होता था, वह नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत का करता है या कोशिश करता है तो हमारे भारतीय संविधान में दंड का प्रावधान है। पांचवा है उपाधियों का खात्मा। पुराने ज़माने में और हमारे ब्रिटिश राज्य में जब हम गुलाम थे तो सर यानी कि नाइटहुड, राय बहादुर, खान बहादुर ऐसी उपाधियाँ दी जाती थी जिससे कि उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था एज ए VIP ट्रीटमेंट। पर जैसे ही ये इलाका मौलिक अधिकार हमें मिले, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ये अवार्ड नहीं दिए जा सकते और इन अवार्डों का खात्मा कर दिया गया। हाँ, पर कुछ अवार्ड सिविल अवार्ड हमारे पास हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये मिलिट्री अवार्ड जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, ये हैं, परंतु ये कोई उपाधि नहीं है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है आज़ादी का अधिकार, सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है। बिना आज़ादी के ये सारे मौलिक अधिकार हमारे धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसलिए हमारे संविधान ने राइट टू फ्रीडम दिया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। इसके अंडर चार कैटेगरीज हैं। पहला देख लेते हैं अंडर आर्टिकल 19 हमारा जो है कौन कौन से हमें अधिकार मिले हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कहीं पर भी सभा करने का और कहीं पर बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार। उसके बाद किसी भी भारत के देश में घूमने फिरने का अधिकार। पांचवा, किसी भी भारत के देश में जाकर बसने का अधिकार। और छठा है किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी प्रैक्टिस को अपनाने का अधिकार, कोई भी बिजनेस करने का अधिकार हमें आज़ादी मिली हुई है। भले ही हमें ये आज़ादी मिली है का हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी, पर इसके ऊपर हमारे ऊपर कुछ चेक भी लगे हुए हैं। जैसे कि हम कोई, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, परंतु ऐसा कोई भी बोल हम ना बोलें जो हमारी संप्रभुता और हमारे देश की अखंडता को उसमें खतरे में आती है, तो ये हमारे वॉयलेशन होगा और इसके तहत हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो पब्लिक की हित के लिए लोगों का मिलना जुलना बंद कर सकते हैं, यानी कि धारा 144, कहीं पर भी अगर दंगे भड़क रहे हैं तो ये हमारे मौलिक अधिकार उस समय सीज कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ ऐसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। दूसरा देखते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसको अभी तक सज़ा नहीं हुई है उसको दोषी नहीं माना जा सकता है। पहले क्या होता था, हमारे न्यूज़पेपर और मीडिया वाले किसी भी व्यक्ति को सीधा अपराधी मान लेते थे। अगर किसी ने भी उसको अपराधी कहा, क्योंकि वो अपराधी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसे कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वो कन्विक्टेड ना डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तब तक वो दोषी नहीं कहलाएगा। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी आपसे आपकी जीने की आज़ादी नहीं छीन सकता, आपको कहीं बंद नहीं कर सकता, आपको किसी प्रकार से बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता, ये इसमें कहा गया है। चौथा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। हमारे संविधान की बहुत अच्छी विशेषता है कि अगर हमें कोई अरेस्ट करती है पुलिस, तो उसे हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पर जब अरेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमें अपना वकील और अपने केस को डिफेंड करने का पूरा पूरा अधिकार है। इसके बिना कोई भी हमें सज़ा नहीं दे सकती अदालत। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पुलिस को उसे 24 घंटे के अंदर अंदर
कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। अगर ये नहीं पेश करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि ये सीधा वायोलेशन है हमारे मौलिक अधिकारों का। अगला अधिकार है हमारा तीसरा, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम देखते हैं कि हमारे छोटे नुक्कड़ गली और रेस्टोरेंट्स में कई छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, वेटर का चाय देते हैं और बर्तन साफ़ करते हैं, और ये अधिकार जो है हमें इसलिए दिए गए थे कि ताकि हम किसी का शोषण ना कर सकें। पर इस बात का बड़ा दुख है कि इस अधिकार के होते हुए भी इसको शरेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में ये हमें दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि हम किसी भी प्रकार के मानव तस्करी नहीं कर सकते, किसी को भी हम बेच नहीं सकते किसी भी व्यक्ति को। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री, 14 साल का कोई भी व्यक्ति या बच्चा जिसकी आयु 14 साल या उससे कम है तो वो व्यक्ति कभी भी वो नहीं कर सकता, किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, और उसको हमेशा एजुकेशन देनी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति उसको किसी भी पब्लिक स्टेट में काम करवाता है तो एक ये दंडनीय अपराध है। अगला राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें कोई भी धार्मिक अधिकार है, कोई भी हम अपना धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 और 28 के तहत इसको में हमारे प्रोविज़न दिया गया है, इसके अंदर चार प्रोविज़न है, यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि हम किसी भी धर्म की मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रचार कर सकते हैं। दूसरा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है, हम कोई भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कोई नया धर्म बना सकते हैं, ठीक है, और उस धर्म को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ओन कर सकते हैं, एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी उस धर्म के ऊपर, ठीक है। तीसरा है फ्रीडम टू एज ए पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर परमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये बहुत अच्छा एक अधिकार है। पिछले ज़माने में क्या होता था, जैसे कि कोई हमारा हिंदू बहु समाज है और जो मुस्लिम जो थे, पहले मुगल साम्राज्य हुआ करता था और हमारे हिंदू थे वो माइनॉरिटी थे, अगर हमने किसी धार्मिक तीर्थस्थल पर जाना था तो हमें जजिया कर देना पड़ता था, यानी कि एक प्रकार का टैक्स। परंतु अब क्या हुआ है, इससे हमें फ्रीडम मिला हुआ है, कोई भी सरकार या कोई भी नागरिक हमसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकता अपने धर्म के प्रचार के लिए। चौथा है फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी सरकार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाकर हमारे ऊपर थोप नहीं सकती, यानी कि किसी भी संस्था के अंदर हमें थोपा नहीं जा सकता कि हमें ये धर्म का गीत गाना पड़ेगा, या जैसे कि हमें गीता गानी पड़ेगी या कुरान के कलमे गाने पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ये सरकार हमें इसको अलाउड नहीं करती और ये हमें मौलिक अधिकारों में मिले हुए हैं। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि हमारी सभ्यता और हमारे एजुकेशन के हमें जो राइट्स मिले हुए हैं ये हमें मिले हैं आर्टिकल 29 और 30 के अधिकार, इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, एंड एनी माइनॉरिटी ग्रुप हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और सेविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली टू रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज और एनी ऑफ अदर, कोई भी व्यक्ति या समाज किसी भी माइनॉरिटी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थलों में आने जाने से नहीं रोक सकता, ये हमें अधिकारों में मिला हुआ है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद का धर्म बनाने और उसके प्रचार करने का पूरा पूरा अधिकार मिला हुआ है। छठा अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज, जो ये अभी मैंने सारे अधिकार बताए हैं, इन सारे अधिकारों को
प्रोटेक्ट करता है हमारा ये वाला अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जो कि हमें आर्टिकल 32 में से मिलता है। इसके तहत अगर हमारा किसी भी प्रकार से कोई राइट वायलेट होता है तो हम सीधे उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी इस राइट्स को बचाने में हमारी मदद करती है और हमारा साथ देती है। यानी कोई भी अधिकार अगर हमारा छीना जा रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें उसको दिलाती है और सीधा हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एक नया राइट 2002 में ऐड किया गया है, ये है आर्टिकल 21 से, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन, यानी कि कोई भी बच्चा जो उसकी 6 से लेकर 14 साल का है उसके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। कोई भी सरकार किसी भी बच्चे को एजुकेशन से नहीं रोक सकती और ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उसे 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, भले ही वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय से आता हो। परंतु ये एक्ट अभी तक इतना कामयाब नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक सरकारों की इतनी इच्छा नहीं हो पाई है कि सभी को पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।